मच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर, जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ HTV न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज, मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता, सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल, या फिर इस बार होगा कोई कमाल, जीतेगा वही जिसे चाहेगी आवाज। HTV न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के तहत पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत तृतीय चरण में होने वाले मतदान को लेकर की गई मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे पश्चिमी चंपारण के बथनाहा, विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की ओर से आयोजित चुनावी सभा को किया संबोधित। सारण जिले के दियरा क्षेत्र स्थित कुतुबपुर गांव में देर रात लगी आग, एक महिला की झुलसकर हुई मौत। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे सुगौली, फुलवरिया उच्च विद्यालय के प्रांगण में एक जनसभा को किया संबोधित। फिनहरा प्रखंड क्षेत्र के खान पिपरा गांव में अचानक लगी आग, आधा दर्जन घर जलकर हुआ राख। मंगलवार को सारण में कुछ मतदान केंद्रों को छोड़ दे तो बाकी सभी जगहों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुई दूसरी चरण की मतदान, कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम में आई खराबी को लेकर हो हंगामे की खबरें भी आई सामने। और घोड़ासहन प्रखंड के टोनवा पहुंचे रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा, रालोसपा प्रत्याशी रामपुकार सिन्हा के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता, सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल, या फिर इस बार होगा कोई कमाल, जीतेगा वही जिसे चाहेगी आवाज। HTV न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के तहत पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत तृतीय चरण में होने वाले मतदान को लेकर मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक एवं निर्वाची पदाधिकारियों की उपस्थिति में NICVC रूम में DIO एवं ADIO के द्वारा रेंडमाइज कर किया गया। इस संबंध में तृतीय चरण में होने वाले मतदान को लेकर मतदान दल PCCP एवं माइक्रो ऑब्जर्वर के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का गठन किया गया। उक्त रेंडमाइजेशन में सहायक समाहर्ता, विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी, IT मैनेजर, नेटवर्क इंजीनियर, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। पश्चिमी चंपारण के बथनाहा उच्च विद्यालय के प्रांगण में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की ओर से आयोजित चुनावी सभा को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह चुनाव नहीं है बल्कि बेरोजगारी दूर करने का आंदोलन है। आपके सहयोग से हमारी सरकार बनेगी तो कमाई, दवाई, पढ़ाई एवं सिंचाई के बिंदु पर काम होगी। गरीबों को मुफ्त दवा मिलेगी और बच्चों की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था की जाएगी। किसानों के खेतों में सिंचाई का प्रबंध किया जाएगा। प्रखंड कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो रहा है। सारण जिले के दियरा क्षेत्र के कोटवापट्टी रामपुर पंचायत के कुतुबपुर गांव में देर रात आग लगी की घटना हुई, जिसमें एक महिला की झुलसकर मौत हो गई। झोपड़ी नुमा घर में लगी आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस दौरान घर में रखे कपड़े, बर्तन व अनाज समेत हजारों के सामान जलकर खाक हो गए। वहीं मृत महिला कुतुबपुर गांव निवासी मजदूर नंद कुमार महतो की 40 वर्षीय पत्नी जनता देवी बताई जाती है। वहीं इस संबंध में सदर CO सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि क्षति का आकलन रिपोर्ट लिया जा रहा है। मृत महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पीड़ित परिवार को विद्युत विभाग से मुआवजे की राशि भी उपलब्ध करा दी जाएगी। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बुधवार को सुगौली स्थित फुलवरिया उच्च विद्यालय के प्रांगण में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे।
इसमें गरीब परिवार के बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल की ध्वस्त व्यवस्था को पटरी पर लाएंगे। वहीं उन्होंने सुगौली के लिए अनुमंडल एवं डिग्री कॉलेज खोलने की बात कही। लालू का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि जो अपने बच्चों को नौवीं से आगे नहीं पढ़ा पाए, सोचिए वे क्या शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने रालोसपा प्रत्याशी संत सिंह कुशवाहा के पक्ष में लोगों को वोट करने की अपील की। फिनहरा प्रखंड क्षेत्र के खान पिपरा गांव में अचानक लगी आग से आधा दर्जन घर जलकर राख हो गया। इस दौरान घर में रखे सामान समेत 5 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। बताया जाता है कि दोपहर में घर में अचानक आग लग गई। जब तक ग्रामीण आते तब तक घर में रखा आभूषण, कपड़ा, बर्तन, अनाज आदि जलकर राख हो गया। वहीं मुखिया बलिंदर राम, पैक्स अध्यक्ष विकास यादव ने प्रशासन से मांग किया है कि अगर फिनहरा प्रखंड में फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती तो इतने घर नहीं जलते, समय रहते गाड़ी पहुंच जाती और आग पर काबू पा लिया जाता। उन्होंने प्रशासन से मांग किया कि अग्नि पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे। वहीं सीओ विजेंद्र सिंह ने कहा कि सीआई को जांच के लिए भेजा गया है, जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार सरकारी सहायता का लाभ दे दिया जाएगा। सारण में कुछ मतदान केंद्रों को छोड़ दे तो बाकी सभी जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है। कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम में आई खराबी को लेकर हो हंगामे की खबर भी आई। जिले में शाम 6 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक कुल 54% वोट डाले गए। मतदान के दौरान गरखा विधानसभा क्षेत्र के मुबारकपुर बूथ संख्या 248 पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। पूरे 1 घंटे तक बूथ पर रण क्षेत्र सा माहौल बना रहा। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिले के करीब दर्जन भर से अधिक मतदान केंद्रों पर ईवीएम में आई खराबी के कारण भी मतदान विलंब से शुरू हुए, जिसमें 119 गरखा विधानसभा के मुबारकपुर में ईवीएम खराब होने से 1 घंटे विलंब से मतदान शुरू हुआ। 117 मढ़ौरा विधानसभा के अवारी बूथ संख्या 36 पर ईवीएम में खराबी के कारण आधे घंटे विलंब से मतदान शुरू हुए। वहीं 113 एकमा में रसूलपुर पंचायत के धानाडीह में बूथ संख्या 121 पर ईवीएम में खराबी के कारण मतदान 50 मिनट विलंब से शुरू हुआ। वहीं इस दौरान परसा विधानसभा से राजद नेता तेज प्रताप यादव की पत्नी व लालू यादव की बहू ऐश्वर्या राय अपने पिता जदयू प्रत्याशी चंद्रिका राय के साथ बहजिया में मतदान किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब ऐश्वर्या ने बताया कि एनडीए सरकार फिर आएगी। वहीं उनके पिता चंद्रिका राय ने विपक्ष के तमाम दावों को हवा हवाई बताते हुए कहा, लोगों ने उनके वायदों को नकार दिया है और पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं। वहीं गरखा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी ज्ञान चंद्र मांझी ने वोट कर एनडीए की जीत सुनिश्चित बताया, तो वहीं दूसरी तरफ तरैया के आरजेडी प्रत्याशी सिपाही लाल महतो भी अपनी जीत को लेकर बेहद उत्साहित दिखे। चलिए, मैं अपने बूथ संख्या 182 नौर विधानसभा के मकेर प्रखंड का 182 बूथ संख्या विकास केंद्र मकेर में अपना वोट अभी डाला। उस बूथ की जो स्थिति है वह है, तो है क्योंकि मेरा अपना बूथ है, मंडल अध्यक्ष का बूथ है, तो वह मेरा बूथ सबसे मजबूत जो हम लोगों का नारा था वह साबित तो वहाँ हो रहा है, होगा भी। लेकिन जो आपने रुझान के बारे में पूछा, तो अभी तक सुबह से और अभी लगभग 2 बजे तक की जो मुझे रिपोर्टिंग है, हम लोग सारण जिले के 10 सीट पर अभी बढ़त बनाए हुए हैं और उम्मीद है कि यह बढ़त शाम तक कायम रहेगी। मतदान मेरा क्रमांक 166 है। मैं अपने पार्टी की तरफ जो सिंबल है उस पर हमने अपना बटन दबाया है और वहाँ जितने लोग हैं सब लोग एकदम रफ्तार में इसी पक्ष में, लोगों को मैंने देखा कहीं से कोई दूसरा तरफ किसी का निगाह नहीं था, सब लोग हमारे ही पक्ष में सब जगह गिरा रहे हैं। बुधवार को करवा चौथ का त्यौहार खूब धूमधाम से मनाया गया। जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ। इस मौके पर सुहागिनों ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा और 16 श्रृंगार कर माँ गौरी, भगवान शंकर, गणेश व कार्तिकेय को पुष्प, अक्षत, दीप आदि अर्पित करके करवा चौथ कथा का पाठ किया और पति की सुख समृद्धि की कामना की। सुबह से सुहागन महिलाएं सज धज कर करवा चौथ व्रत की तैयारियों के लिए जुटी रही और मेहंदी लगाकर श्रृंगार कर सुंदर परिधानों में सजी महिलाओं में व्रत को लेकर काफी उत्साह देखा गया।
सुहागन महिलाएं दिन भर निर्जला रहकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना की और शाम को महिलाएं मंदिर जाकर विधि पूर्वक पूजा की, जहां मिट्टी के बने करवों को सुहागिनों द्वारा बदला गया। करवों में मिठाई पानी भरकर सुहागिनों ने इसे एक दूसरे के करवों से बदला। मान्यता के अनुसार करवा चौथ में चंद्रमा को अर्घ देकर पति को चलनी से देखने के बाद सुहागन महिलाएं अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत को पूर्ण करती है और पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करती है। पौराणिक मान्यता है कि करवा चौथ व्रत से पति को दीर्घायु प्राप्त होती है और अखंड सौभाग्य, पुत्र पौत्र के साथ लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के टोनवा हाई स्कूल के खेल मैदान में रालोसपा प्रत्याशी रामपुकार सिन्हा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा वाली सरकार होगी, जिसमें गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए आवासीय विद्यालय खोलेंगे, जिसमें गरीब परिवार के बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि 15-15 वर्ष दूसरों को आप लोग सरकार बनाने का मौका दिए, लेकिन आम आदमी के लिए दोनों सरकारों द्वारा कुछ नहीं किया गया। आज भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षकों को खाना बनवाने और खिलाने के काम में लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, युवकों का पलायन आज भी जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में कैसा इलाज किया जाता है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। आप लोगों से अपील है कि एक बार मुझे भी मौका दीजिए। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत 20 चिरैया विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी अखिलेश्वर कुमार को दही से तौलकर उनका स्वागत किया गया। जानकारी के मुताबिक जनसंपर्क के दौरान उनके समर्थकों ने चिरैया प्रखंड के महुआवा, बैजनाथपुर और कमरचोली गांव में दही से तौलकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी अखिलेश्वर कुमार ने जनसंपर्क की और लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर, जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ एसटीवी न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात।